गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम एपिसोड 8 शुरू करेंगे अपनी सीरीज हाउ टू रिड्यूस द बेनिफिट विद द हेल्प ऑफ योगा। योग की मदद से अपने बढ़े हुए पेट को अंदर किस प्रकार करें, पार्ट नंबर 8। मैं मनोज मेहरा अपने चैनल योग और निरोग में इस शुभ प्रातःकाल की बेला में आपका स्वागत करता हूं। अभी तक जो आपने 7 पार्ट सीखे हैं, अब आप उनमें से कोई से भी चूज कर सकते हैं अपनी बॉडी की अकॉर्डिंग, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग। और अगर आप परफेक्ट हो जाते हैं तो सारे ही पार्ट्स में थोड़ा थोड़ा टाइम देना आवश्यक है, जितना कि मैंने आपको एक एक एक्सरसाइज को टाइम देना या उसकी करने की गिनती को बताया है, काउंटिंग को बताया है, आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। वैसे तो जितने भी आप सभी पार्ट्स भी करेंगे तो आपके 15, 16 मिनट, 18 मिनट से ज़्यादा स्पेंड नहीं होंगे। और आप जब फुली एक्सपर्ट हो जाते हैं और पूरा टाइम देते हैं, पूरी काउंटिंग करेंगे, तो पर डे कम से कम 2 किलो, 1 किलो, 3 किलो, इतना वेट आपका लूज हो जाएगा। तो दोस्तों, उसके साथ साथ आज मैं आपको ये भी कुछ बताऊंगा कि एक्सरसाइज करने के बाद आप लोग अपने खाने पीने में क्या ध्यान दें, उसका किस प्रकार आप एडजस्टमेंट करें। जब तक आपका वेट लूज हो रहा है तब तक आप खाने पीने पर भी ध्यान देना आवश्यक है। खाली एक्सरसाइज से उतना तेजी से वेट कम नहीं होता है, हमारी एक्सेस फैट बर्न नहीं होती है, तो उसके लिए भी मैं आपको आज बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले हम आज की एक्सरसाइज शुरू करते हैं। हमेशा की तरह उसके भी 3 ही पार्ट होंगे, परंतु फिर भी एक छोटी सी बात हर एपिसोड में रिपीट कर रहा हूँ, शायद आप भूल ना जाए, फिर रिपीट कर देता हूँ। सिर को कवर करना है कॉटन क्लॉथ से, जमीन पर कॉटन की शीट बिछानी है, ईस्ट फेसिंग रखना है, पेट खाली रखना है, शरीर की सामर्थ्य के ज़्यादा नहीं करना है, रीढ़ की हड्डी और गर्दन में, स्पाइन में कोई प्रॉब्लम हो पीछे को नहीं झुकना है, आगे को नहीं झुकना है, और हार्ट की बीपी की कोई समस्या हो ज़्यादा स्पीड से नहीं करना है। स्पीड हमेशा उतनी ही रखनी है जितना आपका शरीर बर्दाश्त कर सके। धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है और परफेक्ट बनना है। चलिए तो मैं आज का पहला स्टेप बताना शुरू करता हूँ। अपने पैरों को फैला लेंगे जितना अधिकतम आप फैला पाएं, इस प्रकार से हाथों को आगे करेंगे, श्वास को भर के हाथ आगे जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए पीछे ऐसे आएंगे। इससे आपकी पेट की एक्सेस फैट तो बर्न होती ही है, साथ में आपका जो चेस्ट है वो भी आपकी अच्छी बनती है, आपकी पूरी हैंड्स की मसल्स इंप्रूव होती हैं। चलिए पहला स्टेप स्टार्ट करता हूँ। श्वासों को अच्छी तरह से अंदर से बाहर करना है, पीछे हाथ लाते हुए श्वास भरना है, आगे जाते हुए छोड़ना है। 10 से 20 बार तक स्टार्ट करते हैं, 50 बार तक आपने करना है। कमर बिल्कुल सीधे रखनी है, गर्दन सीधी रखनी है, एक सीध में झुकना नहीं आगे ना पीछे। ऐसे फील करना है कि हमारा सीना बाहर की तरफ को भर रहा है। दूसरे स्टेप में फिर वही करना है, हाथों को आगे और पीछे ले जाना है, ऐसे आगे ताली बज जाती है, क्लैप हो जाएगी, क्लैपिंग हो जाएगी आपकी, तो आपके हैंड्स के जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है वो भी दब जाते हैं। हमारे हाथों में इतने सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं कि सारी बॉडी की फुल बॉडी मसाज हो जाती है और फुल बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन विद ऑक्सीजन अच्छा हो जाता है। यह स्टेप भी आपने 10 बार से शुरू करके 50 बार तक ले जाना है। चेस्ट के ऊपर आप अपनी एनलार्जमेंट फील करेंगे, चेस्ट को फूलता हुआ फील करेंगे और पेट अंदर जाता हुआ फील होगा आपको। श्वास भरेंगे, आगे पीछे जाएंगे, श्वास छोड़ेंगे, आगे आएंगे, ऐसे। हाथों को
सीधा रखेंगे, ऐसे नीचे आगे नहीं झुकाएंगे, कमर को नहीं झुकाएंगे, बिल्कुल ऐसे सीधे आएंगे, पीछे तक सीधा ले जाएंगे, बिल्कुल अलाइनमेंट में, फिर आगे लाएंगे, फिर पीछे ले जाएंगे, ऐसे आपके शोल्डर्स में पेन हो या एक्सरसाइज करते हुए शोल्डर्स में पेन होने लगे तो थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। शोल्डर पेन की प्रॉब्लम इस एक्सरसाइज से सही हो जाती है, लेकिन आपको धीरे धीरे फाइट करना है। शोल्डर पेन है, स्लो स्लो करेंगे, धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएंगे, पेन बढ़ता हो रिलैक्स करेंगे, अगले दिन फिर कंटिन्यू करेंगे, गिनती के हिसाब से बढ़ाएंगे। आज 5 करें, कल 7 करें, 10 करें, 20 करें, 50 तक कर सकते हैं। जल्द नहीं लेंगे, झटका नहीं लेंगे, स्मूथ भी करेंगे, आराम से करेंगे। क्लैपिंग करते हुए हाथों को अच्छा प्रेशर मार सकते हैं, जितनी तेज क्लैप होगा उतनी तेज आपके एक्यूप्रेशर के पॉइंट दबेंगे और वो आपकी पूरी बॉडी के लिए बेनिफिशियल होंगे। इसके बाद आप तीसरा स्टेप इसमें क्या करेंगे, हाथों को आगे ही लाएंगे, लेकिन अब की बार थोड़ा सा कमर को पीछे की तरफ टिल्ट करेंगे, गर्दन को टिल्ट करेंगे और स्मूथली करेंगे। इससे ज्यादा स्पीड भी नहीं बढ़ानी होती है, क्योंकि फिर रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत स्मूथ करेंगे, हाथों को आगे, श्वास भर के पीछे जाएंगे, आराम से हल्का सा टिल्ट करेंगे गर्दन को और फिर आगे आएंगे। सीने में आपके बाहर की तरफ उभार आएगा, पेट आपका अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट होगा और पेट के ऊपर पसीना आएगा, आपकी फैट बर्न होगी। जैसे भी देखने की कोशिश करें हम, शायद आप समझ गए होंगे। इस स्टेप में भी 20 से 50 बार आपको करना है। पहले स्टेप में आपने स्पीड अच्छी कर लेनी है, लेकिन बाद वाला स्टेप बहुत स्मूथली करना है, स्पीड को बहुत तेज नहीं ले जाना है। स्पीड तेज करेंगे शोल्डर्स में, नेक में या आपकी बैकबोन में कहीं भी जर्क आ सकता है जो नुकसानदायक होता है। कोई भी स्टेप करते हुए अगर लगने लगे कि दर्द बढ़ रहा है या कुछ प्रॉब्लम बढ़ रही है, उसको वहीं पर होल्ड करें, रिलैक्स करें, नेक्स्ट टाइम फिर करें, धीरे धीरे करें, स्लोली करें। जब आप परफेक्ट हो जाते हैं तो स्पीड बढ़ा सकते हैं। पहले और दूसरे स्टेप में स्पीड अच्छी रखें, तीसरे स्टेप को बहुत ज़्यादा स्मूथली करें, क्योंकि आपको बार बार पीछे की तरफ टिल्ट होना होता है, पीछे की तरफ झुकना होता है, वापस आगे की तरफ झुकना होता है, तो बहुत स्मूथली करें, जल्दी ना करें बिल्कुल भी। इससे आपका शोल्डर की जो जकड़न है या आपके फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम है वो भी बिल्कुल सही हो जाती है। अब उम्मीद करता हूँ आपको तीनों स्टेप समझ में आ गए होंगे। आप इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करें, शरीर की क्षमता से ज़्यादा ना करें। मैंने आपको शुरू में बताया था कि आज मैं आपको खान पान के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ कि अपने फैट को रिड्यूस करने के लिए मैं खान पान में क्या ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले बताता हूँ किन चीज़ों का हमें अवॉइड करना चाहिए, क्या परहेज करना चाहिए। परहेज करने में चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक तो बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। ज़्यादा फैट, एक्सेस फैट वाली हमारी बढ़े उसके लिए हमें चिकनाई वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए।
तली हुई चीजें नहीं खानी चाहिए, कुछ दिन के लिए अवॉइड करें। जब आपको लगे कि आपकी नॉर्मल वेट हो गया है तो फिर आप थोड़ा थोड़ा एंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल जीभ को कंट्रोल करें, आप समझे कि मैंने आपकी स्वाद पर ब्रेक लगा दिया, ऐसा नहीं है। लेकिन जब तक आप कर रहे हैं तब तक तो जरूर करें। मॉर्निंग में 4 गिलास पानी पिए, स्टार्टिंग 1 गिलास से कर सकते हैं, गुनगुना पानी हो, उसमें आप नींबू भी डाल सकते हैं। टॉयलेट जाएंगे, पेट साफ हो जाएगा, उसके बाद एक्सरसाइज करें। और खाना खाने के बाद पानी एकदम ना पिए। अगर आपको आदत है तो 1-2 घूंट करके पी सकते हैं, थोड़ा सा पी लें जिससे आपका गला तर हो जाए। खाना खाने के 90 मिनट बाद पानी, 90 मिनट बाद पानी पीना ही सही रहता है, क्योंकि जो हमारे स्टमक में फूड हम ले रहे हैं वो डाइजेस्ट होता है, और उसको हम पानी डाल दें तो डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है और वो फूड अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, पेट में सड़ता रहता है और बीमारियां पैदा करता है। जब तक आपने एक्सरसाइज की स्टार्टिंग की हुई है, जब आप वेट नॉर्मल नहीं आ पाता है, तब तक आप सारा दिन जब भी पिए गुनगुना पानी पिए, हल्का सा गर्म हो, बहुत मामूली सा, अधिक नहीं, टेम्परेचर ना हो उसका, घूट घूट कर कर पानी पिए, एक साथ पूरा गिलास डक 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 डकार करके, गटर गटर करके पी जाना अच्छी आदत नहीं होती है। गुनगुना पानी पीना भी अपने आप में एक मेडिसिन है, पूरी तरह से हमारी बॉडी को फिट करता है, पूरी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन गुनगुना पानी पीने से अच्छा हो जाता है। चाहे कितनी गर्मी हो, चाहे कितनी सर्दी हो, आपने दिन में जब भी पानी पीना हो गुनगुना पानी पिए। और पानी कम से कम 3 से 4 लीटर पर डे पिए। हमारे शरीर में जब पानी जाता है वो पूरे स्टमक में, पूरी तरह से सब सिस्टम्स में घूम जाता है, तो वो अंदर की बहुत सारी गंदगी को बाहर ले जाता है, हमारे शरीर की गर्मी शांत होती है, इसलिए पानी भी पिए। ये कुछ छोटी सी बातें थी जो मैंने आपको बताई। और शाम का खाना आप अगर कुछ दिन के लिए अवॉइड करें तो बहुत अच्छा है, अवॉइड नहीं कर पाते हैं तो फिर शाम को हल्का फुल्का लें। ज़्यादा करें तो रोटी लेना बंद कर दें, सिर्फ सब्जी से काम चलाएं, या ऐसा करें कि 5-7 दिन या 15 दिन तक सिर्फ पपीते की सब्जी आप शाम को लें, कच्चे पपीते की सब्जी, बहुत टेस्टी लगती है। और रात को सोने से पहले दूध लें, दिन छिपने के बाद कुछ ना खाएं। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो आप अगर यूज करते हैं तो शायद आपका वेट 15 दिन में ही इतना लूज हो जाएगा कि आप कहेंगे मैं बिल्कुल स्लिम फिट और हैंडसम हो गया हूं। आशा करता हूं दोस्तों आज का स्टेप आपको पसंद आया होगा। अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दें मेरे चैनल को। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कॉर्नर में एक रेड बटन आता है, उसको क्लिक करें। उससे क्या होता है कि आपको मैं कोई भी चैनल पे जब भी वीडियो अपलोड करता हूँ तुरंत उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है, और आप जान जाते हैं कि फिर नया वीडियो आ गया है, आप उसको देख सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपको जो फायदा हो रहा है उसको किसी से शेयर करें तो व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक पर शेयर भी कर सकते हैं। मेरे कमेंट बॉक्स में भी जरूर लिखें क्या आपके सुझाव हैं, क्या आपको बेनिफिट्स हो रहा है, क्या आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, या आप कुछ उसके बारे में अधिक जानना तो नहीं चाहते हैं। मैं उसका अवश्य एवं तुरंत जवाब देने का प्रयत्न करूंगा। तो आज के लिए इतना ही काफी है दोस्तों, कल फिर मिलेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड में, एक नया स्टेप बताऊंगा जिससे कि आपका वेट बहुत जल्दी लूज हो जाए। गुड बाय दोस्तों, हैव ए नाइस डे।